हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बनाते हैं आज की नई और इजी सी रेसिपी, जिसके लिए बहुत ही कम सामान चाहिए होगा और बहुत ही रेसिपी अच्छी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 चम्मच ऑयल, फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून डाल देंगे अजवाइन और इनको लो फ्लेम पे आराम से चटकने देंगे। तो यहाँ पे आपको अजवाइन और जीरा लेना है और लो फ्लेम पे इसे चटकने देना है। जब ये गोल्डन हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी पानी। 2 कटोरी पानी यानी लगभग मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है। इस पानी को डाल के फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे, यानी कि इसको एक बार उबलने देंगे अच्छे से। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, या फिर आप 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दें छोटी। और फिर जब अच्छे से पानी उबल जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे, जिस कटोरी से पानी लिया था 2 कटोरी, उसी कटोरी से सूजी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स वगैरह ज़्यादा ना पड़े, ध्यान रहे। और इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और अब मैंने फ्लेम को लो कर लिया है, लो फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो इस तरीके का डो तैयार हो जाएगा। अब इसको कवर करके हम छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, तब तक तैयारी करते हैं आगे की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें डालेंगे हम सोयाबीन बड़ी। तो सोयाबीन बड़ी भिगो के निचोड़ ली है अच्छे से और फिर इन्हें छोटा छोटा सा कट कर लिया है, यानी कि 1 सोयाबीन बड़ी में 3-4 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते वक्त फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखा है, लो फ्लेम पे अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं और गोल्डन हो जाएं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएं। मेरे चैनल पे एक नई रेसिपी डेली आती है, कोशिश करती हूँ रेसिपी अच्छी हो और ईजी हो। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी उबले हुए छोले, तो थोड़े से उबले हुए छोले हैं मैंने ये ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जितनी हेल्दी फीलिंग बना के तैयार करेंगे उतना ही आपका नाश्ता हेल्दी बन के तैयार होगा। इनको भी, छोले को भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। अब इनको निकाल लेंगे और अब उसी पैन में मैंने फिर से 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा। और जीरा जैसे हल्का तड़क जाएगा वैसे ही हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमें यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन प्याज का दूर हो जाए इतना ही यहाँ पे फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करते वक्त फ्लेम को आप मीडियम और हाई रख सकते हैं तो इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे। फिर इसमें अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लें, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मसाले यूज नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें और डालेंगे धनिया पाउडर और इसको अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़े से आलू, तो 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके मैंने इसमें मैश करके ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू बाइंडिंग के लिए ज़रूरी हैं तो इसलिए आलू ऐड कर रहे हैं ताकि जो छोले और सोयाबीन है वो अच्छे से इसमें बाइंड हो जाए, अच्छी फीलिंग तैयार हो जाए। तो हमारी बहुत ही हेल्दी सी फीलिंग बनके तैयार है। अब डालेंगे यहाँ पे हम नमक अपने हिसाब से, नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मसाले भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, मिर्च वगैरह अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो 2 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस सबको लो फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट फीलिंग हमारी बन के तैयार है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा जो हमने सूजी का डो तैयार किया था वो भी तैयार हो चुका होगा, ठंडा हो गया। और अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया या फिर डाल देंगे आप कढ़ी पत्ते डाल दें। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकालेंगे सूजी को और अच्छे से इसे गूंथेंगे लगभग 5 से 7 मिनट। ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, चाहे आप इसकी रोटियां बेल के तैयार कर लें। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आपका ये सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं, लेंगे परफेक्ट फिलिंग हमारी तैयार है जो कि, और अब हमें तैयार करना है अपना नाश्ता। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे डो और इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसमें हम रख देंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया फिलिंग के साथ और बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से बंद हो जाता है, बिल्कुल टूटना या फटता नहीं है, बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। शेप साइज अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, रोल गोल बोल जैसी बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल्स बना के तैयार कर रही हूँ, सारी की सारी बोल्स बना के तैयार कर लेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं तो इनको डीप फ्राई करें, नहीं चाहते हैं तो स्टीम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ करने जा रही हूँ डीप फ्राई, तो मैं सरसों के ऑयल में इन्हें फ्राई कर रही हूँ, इसलिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब ऑयल में धुआं उठ गया है तब इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, जब यूज करते हैं उसको अच्छे से पका लें, धुआं उठने के बाद उसमें कोई भी स्नैक्स डालें। और सूजी के स्नैक्स जब भी फ्राई करते हैं तो उनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब ऊपर से कोटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इन फ्लेम को जो है मीडियम पे कर देंगे और इनको पलट देंगे।
तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से आप बोल्स बना के तैयार, इनको मीडियम कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने देंगे इनको। गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करना है, तो फ्राई करने में लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। 5 मिनट के अंदर आपका ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बनके तैयार हैं, परफेक्टली गोल्डन हो चुके हैं। तो चलिए आज देते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में ये टेस्टी सी रेसिपी, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, मेहमान भी रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।